आज आपको ऐसे कबूतर का शौक करवाता हूँ जिसके साथ इसकी माता का भी शौक करवाता हूँ। ये कबूतर ये जो है ये जेठ में नागे की बाजी पे तकरीबन हर बाजी ये 7 बजे के बाद बैठा है, ठीक है। मैं आपको इसका पर कुंडे का, इसकी आंख का, इसकी दुम का, हड्डी का शौक करवाता हूँ ताकि दोस्तों को पता चले कि ये जो कबूतर हैं जेठ में उड़ने वाले कबूतर गर्मी में उनका पर कैसा होता है और उनकी दुम कैसी होती है, पर की बनावट कैसी है, आंख का स्टाइल कैसा है, ये चीज़ें आप इस कबूतर में देख के सीख गए। ओके जी, ये ले दोस्तों, ये है जी कबूतर। ये कबूतर जेठ में बैठा है, मैंने बताया इसके बारे में, दरवाजे में सर हैं इसके, तो इसका शौक करवाता हूँ मैं आपको। हम तो इसको टैडी कबूतर कहते हैं, बाकी आप देख लें जो भी इसको कहें। इसके पहले सबसे आपको इसकी आँख का शौक करवाता हूँ। ये देखिए रात का टाइम है, जैसा भी व्यू में देख लें, क्लोज करके ज़रा देख लें यहाँ पे क्लियर हो। ठीक है, आप इसकी पलक भी आप चेक करें, ठीक है। इसके सारे पॉइंट नोट कर लें आप, ऐसे कबूतर आप रखें। इसकी पलक देखें कितनी बारीक है, ठीक है, और आंख देखें कैसे झपक रहा है आंख, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो एंड पे बताऊँगा इस वीडियो के, वो एक ज़्यादा ही टिप है। ये देखें, ये है जी कबूतर, वो पर का शौक करें, पर देखें कहाँ तक है, ठीक है। तुम से थोड़े से कम है, पर की बारीकी चेक करनी है और पर का स्टाइल चेक करना आपने, ठीक है। ये देखें, ये है जी इसका पर, ये देखें, ये देखें। और इसके बच्चे भी जेठ में तकरीबन इसके 4 पर का 5 पर का बच्चा इस जेठ में फुल गर्मी में 45-46-47 टेम्परेचर में 3 बजे के बाद ही बैठता था, 3 के बाद 2.5 के बाद 3.5 के बाद बैठता था। ये देखिए वाइब्रेशन इसमें, अब इस ये पार की शेव आप चेक करें, मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, पार की शेव चेक करें। एक एंड पे मैं आपको एक टिप दूंगा इसमें जो आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त होगी। पार की शेव देख ली आपने, ये एंड तक देखें ज़रा पार, ठीक है। ये देखें कैसे है पार, दूसरा पार भी देखें, ये देखें, ठीक है। क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें पार पूरा खोले ऐसे, मैंने पूरा भी खोल दिया पार, लेकिन ये 10वां पार के नीचे ही आएगा, ठीक है। अभी ये इसका एक पार आ रहा है, ठीक है, क्लोज करके देखें पार, पार की शेप आप नोट कर लें इसकी। ये कबूतर जेठ में एक नागे की बाजी लगातार 7 बाजियों में ये कबूतर 7 बजे के बाद ही बैठा है, ठीक है। और इसकी दुम भी आप देख रहे हैं, ये देखिए जितनी मर्जी हिला ले, ठीक है, ये ठीक है, ये कोई नहीं, जो कबूतर खुद उड़ता है रात को बैठता है तकरीबन टाइम मारता है जो कबूतर, और जो बच्चे भी आगे डाता है वो देखो इसने ना कैसे परों के अंदर अपने पांव ले गया है, ये देखें, ये देखो, ठीक है। ये टिप है आप दोस्तों के लिए। और एक और चीज़, जो कबूतर एक नंबर होगा ना ज़्यादा परवाज़ देने वाला या बच्चे डालने वाला, ये देखे जैसे मैंने ये पकड़ा,
ठीक है, ये आप आपके हैंड से ना, आपके हाथ से शायद हिल जाए थोड़ा बहुत, लेकिन भाग भाग के नहीं जाएगा जैसे कबूतर हाथ से भाग भाग के जाते हैं, उछल उछल के जाते हैं। सही कबूतर जो होते हैं ना, खुद उड़ने वाले और बटेर डालने वाले, वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल नरम तबीयत। ठीक है, ये देखें हिल रहा कोई, ये देखें, ये नरम तबीयत कबूतर होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है, हल्का फुल्का हिल जाए कोई नहीं। कई तो कबूतर आपने देखा हाथों से छलांगे मार मार के जाते हैं। ये है जी कबूतर, शौक आपको करवा दिया, पर भी देख लिया आपने, शेर देख ली पर। ठीक है, अब आज के साथ जो मादी है उसका भी शौक करवाता हूँ। ये है जी मादी, उस कबूतर के जो साथ लगी है, उसकी आँख का शौक करें पहले, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये क्लोज करके आपको दिखाते हैं, उसके भी पलक चेक कर लें आप, ठीक है। इनका बच्चा 4 बार का, 5 बार का, 8 में 3 बजे के बाद ही जाता है। ये देख लिया आप, इसका पर चेक करवा सकते हैं। ये देखिए इसके पर भी देखें, दुम से थोड़े से आगे ये पर देखें, पर चेक कर रहे हैं आप, ये पर आ रहा है दरमियान में। ये देखिए चेक करें, पर की शेप चेक करें, ठीक है, दोनों देख लें, ये दोनों, ठीक है, ये मेरा हाथ इधर है, ये दोनों, ठीक है, और ये देख, ये हाथ में पकड़ा तो भाग भाग के नहीं जा रहा, ठीक है, ठीक है, ये देख, पंजे भी देख लिए, यही टिप है, ठीक है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएं। ये आपको एक जोड़े का शेप शौक करवाया मैंने, तो जब भी कोई कबूतर खरीदें, इसने बच्चे भी निकाले हुए हमारे पास, ये फार सेल नहीं है, ये हमारा बेस्ट जोड़ा है, बेस्ट पेयर है, तो जब भी बच्चों को दाना इसने खिलाना है, ये देखें, ठीक है, ये दुम भी देखें इसकी, ये अच्छे कबूतर की निशानी को वो हाथ से चुड़ा चुड़ा के नहीं भागेगा, और सातवां पार नोट कर लेगा। ओके दोस्तों, अल्लाह।